हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज हम बनाने लगे हैं कोई चिकन। सो मुझे तो नहीं पता फिलहाल कि हम लोग क्या बनाने लगे हैं, पर चिकन का कुछ बनाने लगे हैं। सो चलिए हमारे साथ आपको रेसिपी शेयर करते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर चलें किचन में हमारे साथ। हम लोग किचन में आ चुके हैं और हमें पता भी चल गया कि क्या बनने लगा है। सो बनने लगा है चिकन स्टीम रोस्ट बनने लगा है। तो चलिए हमारे साथ आपको रेसिपी शेयर करते हैं। जिया, आप काफी देर बाद आए हो हमारे व्लॉग में, है ना? सो गाइस, जब तक हमारी चीजें रेडी हो रही तब तक आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, आप देख सकते हैं आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन स्टीम रोस्ट। तो उसके लिए जो है हमने दो मुर्गियां थी वो करवा ली, उसके बाद उसके हमने चार चार पीस करवा लिए और इस तरह पीसों को इस तरह टक लगवा लिए। उसके बाद ये हमारे पास 6 टेबल स्पून जो है वो सिरका है, ये 4 अदद जवे लहसुन के उसका हमने पेस्ट बना लेना है। जिसमें ये सिरका जो ऐड कर रहे हैं, ये लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको अब इस तरह सिरका और लहसुन अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के, तो अब हमने सिरका और लहसुन का पेस्ट जो था वो इसमें डाल चुके हैं। तो अब इसको जो है आधे घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद इसको वॉश कर लेंगे और फिर अपना मसाला लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो चिकन था वो हमने आधे घंटे के लिए रख लिया था, वो मैरिनेट हो चुके हैं। अब इसमें जो मसाले जाएंगे, ये हमारा जीरा पाउडर है, उसके बाद ये 1 टेबल स्पून जो है हमारा तिक्का मसाला पाउडर है, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर है, 1 टेबल स्पून जो है हमारा, 1 टीस्पून जो है हमारा वो है गरम मसाला पाउडर, ये हाफ से भी हाफ टी स्पून जो है हल्दी है, 2 टेबल स्पून जो हमारे पेपरिका पाउडर है, 2 लाल मिर्च का पाउडर है और 1 जो है हमारा हाफ टी स्पून जो है वो नमक है। ये जो है 4 हरी मिर्ची हैं छोटी और थोड़ा सा हरा धनिया, इसको हमने जो है वो ग्राइंड कर लिया है। ये 2 अदद बड़े नींबू हैं और ये 1 कप दही है, ये 1 प्याली जो दही है वो ऐड कर रहे हैं हम इसमें। उसके बाद ये जो हमारे मसाले हैं वो जा रहे हैं, ये अदरक, ये जो है हमारा हरा धनिया और हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये 4 अदद जो है हमारे बड़े नींबू है, अब हमने इसमें जो है अपने सारे मसाले जो है वो ऐड कर लिए। अब इसको जो है मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं ये हमारा चिकन, हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं अपना सारा चिकन। ये कट हमने इसलिए लगाए हैं ताकि जो मसाला है वो सारा इसमें ऐड करके जज़ब हो जाए। अब ये जो हमने अपने पीसों को जो है वो मसाला लगा दिए, अब इसको जो है हम मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे तक तकरीबन रखेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे, रोस्ट करेंगे। मतलब 1 टेबल स्पून जो ऑयल है वो और शामिल कर देंगे। ये जो हमारा मसाला है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इस फ्लेम पे जो है हम अपना चिकन फ्राई करेंगे, स्टीम करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो जी, आप देख सकते हैं हमारा जो स्टीम रोस्ट है वो बन के रेडी हो चुका है। तो गार्निश के लिए आप एक लेमन काट के, 2 हरी मिर्चें और 7 थोड़े से खीरे हैं। तो जी, आप देख सकते हैं अब हमारा चिकन स्टीम रोस्ट रेडी है।